हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ACET एग्जाम्स का। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम है 10th of October से, कंप्यूटर बेस्ड है, होम बेस्ड। तो इसमें क्या कुछ आपको एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे आप, तो उसमें क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ कैरी करना होगा जब एग्ज़ाम्स होगा। और इसके अलावा किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए इंडिविजुअली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक में आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूँगा। अगर एग्ज़ाम कैसे देना है ऑनलाइन पे, अगर आपके पास कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं उस पर काफ़ी सारा वीडियोज़ बनाया था अलग अलग एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए भी मैं जो है डाल दूँगा। तो एडमिट कार्ड आज रिलीज़ हो चुका है, नाउ लाइव है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एग्ज़ाम है 10th of October, आज 7th of October है, आपके पास लगभग 3 दिन है। तो मैं अगर आपको जो लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप आते ही अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, तो आपकी स्क्रीन के सामने आप पे एडमिट कार्ड अपेयर हो जाएगा। अपेयर होते ही आप उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था सिंपल सा। और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें क्या कुछ रहेगा, आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका आपका फोटोग्राफ रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन रिलेटेड OGN इंस्ट्रक्शंस रहेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा ACET में, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ कैरी करना पड़ेगा एग्जाम्स, आपका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड, उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ, और रिसेंट 10+2 पास आउट आइडेंटिफिकेशन कुछ है आपके पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कैसियो FX82, कैसियो FX8385, मैं इसको लिंक डाल दूँगा, साप EL531, उसका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स T130, इसमें से किसी सबसे ज़्यादा जो कैसियो का ही यूज़ होता है, आप लोग यूज करते हैं। अगर कुछ कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ACET आर्किटेक्चर एक्चुअरीज India.org, उसका लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो यही था इसका सिंपल सा अपडेट, और कंप्यूटर बेस्ड होगा, MCQ 17 क्वेश्चंस होगा, 3 आवर, 2 सेक्शन है आपका, और ज़्यादा जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था इसका सिंपल सा अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा, मैं उस टॉपिक में आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।